हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उसी क्रम में मैथ की आगे क्लास बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन स्पर्शी और अभिलंब के हैं, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर स्पर्शी और अभिलंब की क्वेश्चन आपको चाहिए तो उसके लिए जो भी आपको वक्र दिया जाएगा, ठीक है, जो वक्र दिया जाएगा उसकी आपको ढाल पता होनी चाहिए, ठीक। तो ढाल के लिए अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसकी ढाल मुझे मिलती है। और जब ढाल मिल जाएगी तो स्पर्शी की समीकरण निकालने के लिए कंडीशन लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। जो आप छोटे लेवल में, मतलब हाई स्कूल लेवल में आप एक फार्मूला पढ़ेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या थी? प्रवणता। प्रवणता किसके इक्वल होती है? टैन फाई के। और टैन फाई जो होते हैं वो स्लोप होता है। स्लोप किसके इक्वल होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स के, ठीक। लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए कि अभिलंब की इक्वेशन चाहिए, तो अभिलंब की मान लो अगर मैंने किसी लीनियर इक्वेशन का रेखीय समीकरण का एक बार मैंने अवकलन किया, तो अवकलन करने के पश्चात मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स एक प्राप्त होगा, जिसकी ढाल हम एम वन से लिख लें। अब जब मुझे दूसरी कोई इक्वेशन चाहिए होगी अभिलंब की, तो अभिलंब के लिए शर्त क्या होती है? एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब पहले की प्रवणता और दूसरे की प्रवणता का गुणनफल माइनस वन होना चाहिए। तो एम टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई एम वन। मतलब अभिलंब की इक्वेशन मुझे अगर चाहिए तो वाई माइनस वाई वन एम की जगह पर क्या करना पड़ेगा, जो हमको समीकरण चाहिए वो किसके इक्वल होगी? माइनस वन बाई एम वन एक्स माइनस एक्स वन। एम वन क्या है? पहली वाली इक्वेशन की ढाल होगी, जो एक बार हम अवकलन करके किसी बिंदु पर निकालेंगे। तो स्पर्शी और अभिलंब की मुझे जब समीकरणें चाहिए होंगी तो उसके लिए दो ही बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो मुझे बिंदु पता होना चाहिए, एक्स वन का मान वाई वन पता होना चाहिए। दूसरा, मुझे ढाल पता होनी चाहिए। और जब स्लोप मिल जाएगा तो हम ये भी बता सकते हैं और अभिलंब की समीकरण भी निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आया, सिद्ध कीजिए एक दो वक्र दिए गए हैं, ठीक। पहला वक्र क्या है? ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगला कहता है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो सिद्ध करें इतना होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो उसकी शर्त होगी एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। तो क्या करा जाए? फिर पहले दोनों को अवकलन करके दोनों की ढाल निकाल दी जाए। जैसे पहला वक्र अपने पास कहता है बी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो तो टू आगे आ जाएगा, टू ए वन एक्स प्लस इस टू आगे आएगा तो कितना बन गया? टू बी वन वाई। और y का हो जाएगा dy वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू कितना गया? जीरो। अगर ये 2 कॉमन लेके ख़त्म कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? माइनस ए वन अपॉन डी वन। इसको इधर लाइए। अब x भी साथ हम रहेगा और y कहाँ आ जाएगा? बटे में। भाई इसको पूरा इधर लाओगे ना, इसको बटे में भेज दोगे तो इतना आ जाएगा। सेकेंड वाले का अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या बनेगा? देखो, टू ए टू एक्स टू बी टू वाई और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली हम दूसरे वाले को हम लिख सकते माइनस का ए टू अपॉन बी टू एक्स बाई वाई, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो, इसमें कुछ रूल होता है, बोर्ड में देखो कुछ बातें और मांगता है, हम अगर लगाएं तो सवाल यहाँ से लग जाएगा। लेकिन ये आपने किस बिंदु पर निकाला है तो आपको पॉइंट एक मानना पड़ेगा। पहला वक्र एक्स वन कामा वाई वन, तो एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन से एक्स वन बाई वाई वन। ये एक्स टू कामा वाई टू पर निकालोगे तो एक्स टू अपॉन वाई टू बन जाएगा। ये बिंदुओं पर दिखाना पड़ता है। फिलहाल आप समझ गए, आप कर लेंगे यहाँ से, ठीक। जैसे हमने क्या कहा था, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, किस पर निकाल लो? एक्स वन कामा वाई वन। कोई पॉइंट लेंगे आप, उस पर जब वैल्यू रखेंगे तो ए वन अपॉन बी वन एक्स वन बाई वाई वन, ऐसे अगले को एक्स टू कामा वाई टू पर स्लोप निकाल लेंगे। मतलब कह सके ना ये एम वन है और ये एम टू है, तो ये पहले का स्लोप हो गया और ये दूसरे का स्लोप हो गया। आप समझ गए होंगे ना।
अब रूल क्या है, अगर एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, माइनस वन। तो हम क्या करते हैं कि माइनस ए वन बाई बी वन एक्स बाई वाई और माइनस ए टू बाई बी टू एक्स अपान वाई इज इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस एक होना चाहिए। दोनों की प्रवणता का गुणनफल मैंने किसके इक्वल कर दिया, माइनस वन के। माइनस माइनस तो हट गया, तो बचा करता x और y को एक पास कर लो, स्क्वायर बन जाएंगे और इन दोनों को इन दोनों गुणा करके इधर भेज दीजिए। कितना आया, तो माइनस तो रहेगा एक, ये दोनों प्लस हो गए। इन दोनों की गुणा बन गई b1 b2 अपान a1 a2। चाहो तो इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए यहाँ पर, इतना समझ गए सब लोग। अगला देखो, अब क्या करा जाए, ये रिलेशन मुझे लाना, कहीं एक्स वाई नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, मतलब कहने का है एक्स वाई मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे, वो भी स्क्वायर फॉर्म में। तो क्या करें, दोनों को घटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक और एक लगा है, घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। घटा के देखो होता क्या है, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ए टू एक्स स्क्वायर बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये तो ख़त्म हो गए। बचता कितना देखो जरा, तो अगर इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कामन हो जाएगा, तो ए वन माइनस ए टू, इधर वाई स्क्वायर कामन, तो बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू कितना गया, जीरो। अब इसको अगर इधर भेज देंगे तो ये माइनस का आएगा, ठीक, और y को बटे में ले आओ तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया, इतना माइनस बी वन बाई बी टू ए वन माइनस ए टू। इक्वेशन कितनी मान लीजिए, टू मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, और जब बराबर करोगे तो इधर बना बी वन बी टू ए वन ए टू इज इक्वल टू माइनस बी वन माइनस बी टू ए वन माइनस ए टू। माइनस माइनस हटा दिया जाए, बी वन बी टू नीचे ले आओ, ए वन ए टू इधर ले जाओ, तो कितना बना, बी वन माइनस बी टू अपान बी वन बी टू, और इन दोनों को कुछ गड़बड़ करा, ये इधर तो ये ऊपर गया, ठीक, सॉरी, ए वन माइनस ए टू अपान ए वन ए टू। अलग अलग तोड़ दो, जब तोड़ोगे तो इसके नीचे दोनों को लिखो तो बी वन कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वन बाई बी टू, और इस जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो बी टू कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वन बाई बी वन। यहाँ तोड़ दो तो वन वन कट गया, तो कितना आ गया, वन बाई ए टू, और इसके नीचे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई ए वन। ए वन वाले एक तरफ, बी वन बी टू वाले एक तरफ कर लीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना सबसे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, हम भी जब ट्वेल्थ में थे तो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, और फिर मुझे यही क्वेश्चन आपके सामने पढ़ाना भी पड़ रहा है। इसको हम कैसे भूल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कुछ आपके लिए बताए दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या कहा गया, एक वक्र दिया गया, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स ओ वाई अक्षों को क्रमशः इतने पर काट रही है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये रिलेशन आना चाहिए। क्या करा जाए फिर, तो इस वक्र को हम लिख लेते हैं रोड ए। स्पर्श रेखा की बात आई तो स्पर्श रेखा फिर बनाई जाए, बिंदु नहीं दिया तो फिर बिंदु बनाएंगे फिर। लेकिन सबसे पहला काम क्या, इसको डिफ्रेंशिएट मार दीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन टू रूड एक्स, इसका कितना हो जाएगा, वन बाई टू रूड वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर लाएंगे तो माइनस का, और ये चला गया गुड़े में, तो रूड वाई बाई रूड एक्स। चाहो तो हाफ हाफ पावर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बिंदु की तो कोई बात नहीं करी है, तो इस बिंदु को हम क्या करते हैं, एक्स, इसको इस वक्र को कोई बिंदु से निकाल लेते हैं, ठीक। वो बिंदु कौन सा था, एक्स वन वाई वन, और इसको रिलेशन बना लेते हैं। तो वैसे हम इसको भी, इस स्लोप जो अपने पास आया है, इसको भी एक्स वन कामा वाई वन पर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा,
वाई टू द पावर 1/2 वाई वन कर लेते हैं और इसको क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर 1/2 कर लेंगे। अब क्या कहा गया, बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स ओ वाई अक्षों को काट रही है, तो बिंदु अपने पास कौन सा चल रहा है, एक्स वन कामा वाई वन हमने खुद माना है। तो क्या कहा गया, पी और क्यू को काटेगी, तो सिद्ध कीजिए ओ पी और ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो स्पर्श रेखा की बात है, तो स्पर्श रेखा की रिलेशन बना लेते, समीकरण बनाते हैं, तो वाई माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर, एट एक्स वन कामा वाई वन पर, ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, वाई वन को छोड़ देते हैं क्योंकि अपना पॉइंट है ये, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तो माइनस का वाई वन 1/2 एक्स की पावर हाफ वन कर लेंगे, एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या करें, वाई वाले को वाई तरफ ले, एक जाते वाले एक तरफ, तो जिसको बटे में लेके आओगे तो वाई बटा वाई वन हाफ नीचे आया, इसके भी तो नीचे आएगा और इसके नीचे आएगा, तो देखो वाई वन की पावर वन है और इधर वाई वन की पावर 1/2, तो जब ऊपर लाओगे तो यहाँ पर प्लस घात, यहाँ कैसे है माइनस घात, तो 1/2 करना पड़ेगा, और एलसीएम ले लोगे इसका तो आ जाएगा 1/2, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई वन की पावर 1/2 डायरेक्ट लिख लिए। ऐसे जब इसको मल्टीप्लाई में लाओगे ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी ये बटे में इसके आ जाएगा, माइनस कहाँ से आ जाएगा, अच्छा फार्मूले वाला ठीक, इसको जब इसके बटे में लेके आओगे तो बन जाएगा एक्स बटा एक्स वन की पावर 1/2 माइनस का, और इसके साथ लाओगे तो सेम यही कंडीशन इसके साथ भी हो जाएगी, तो पावर बन जाएगी एक्स वन की पावर 1/2 और माइनस ओपन करा तो कैसा आ गया प्लस का। अब क्या करें, इसको इसको एक तरफ, एक्स और वाई एक तरफ कर लीजिए क्योंकि रिलेशन जो होगा एक्स वाई में आएगा, तो क्या करते हैं इसको जब इधर लाए तो ये हो गया प्लस का एक्स वन की पावर 1/2, और ये प्लस का लिखा हुआ है पहले से ही, तो वाई वन की पावर कितनी आ गई 1/2 इज इक्वल टू ये भाई साहब और ये भाई साहब एक तरफ आ गए, तो एक्स वन पावर 1/2 वाई वन पावर 1/2, और यहाँ पे देखो ये हाफ लगा, ये एक्स वन की पावर कितनी 1/2 वाई वन पावर 1/2 किसके इक्वल है, अंडर रूट है, तो इसको हटा करके मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 के इक्वल। और अगर इसको लिख लूँ तो अगर इसको हम बटे में ले आऊँ, या चाहो तो x y को जीरो करके देख लीजिए, इसको अगर बटे में ले आओ तो कितना आ रहा है a की पावर 1/2 एक्स वन की पावर 1/2 वाई अपान a की पावर 1/2 वाई वन की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, a की पावर 1/2 से भाग कर दीजिए इतना आया, और ये भैया बन गया अंताखंड रूप रेखा का। कौन सी रेखा बनी, अंताखंड के रूप में रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष का अंताखंड मतलब क्या होता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, तो एक्स के बटे में कितना है ए अपने पास कितना चल रहा है इतना, तो मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट था पी, ये मूल बिंदु है, तो एक यहाँ का पॉइंट क्या होगा कैपिटल ए कामा 0 इस रेखा के लिए, और ए की वैल्यू अपने पास इतनी लिखी है, तो इस पॉइंट को रिप्लेस करके मैं ये लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2 एक्स वन की पावर 1/2 कामा 0, क्योंकि ए की जगह पर इतना है। फिर दूसरा पॉइंट कितना कहा गया क्यू है वाई अक्ष पर ले लिए, अब ये बिंदु होता है 0 कामा बी, तो 0 ले लेंगे, बी की वैल्यू कितनी इतनी चल रही है, तो इस पॉइंट को हम रिप्लेस करके क्या लिख लें a की पावर 1/2 y1 की पावर 1/2। अब इस स्पर्शी की जो समीकरण निकल के आई है वो ये बनी, इसके अकॉर्डिंग रेखा क्या होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, अगर ये रेखा ये बनेगी तो वक्र कौन सा था, तो वक्र अपना ये वाला था जो इसको स्पर्श कर रहा था, ये वाला वक्र। पूछा क्या गया ओ पी और ओ ए प्रूफ करिए ए होंगे, चलो ठीक देखते हैं, ओ पी प्लस ओ सॉरी ओ क्यू, तो ओ से पी तक के डिस्टेंस ये है,
प्लस यहाँ की डिस्टेंस इतनी आई, कमा जीरो रह गया है यहाँ पर, ठीक। अच्छा तो ये डिस्टेंस है, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी अपने पास इतनी चल रही है, तो इसको लिख लेते हैं ए की पावर 1/2 वाई वन की पावर हाफ। कॉमन कितना मिल जाएगा, तो कॉमन अपने पास यहाँ से आ जाएगा ए की पावर 1/2, तो ब्रैकेट में बचा एक्स वन पावर 1/2 वाई वन पावर 1/2, और ये फिर से ए हाफ, तो ए हाफ इंटू ए हाफ ऐड होके कितने आ गए ए, मुझे लाना क्या था ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ए। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है, बस वहाँ पर क्या कर देना अपॉन में लाना है आपको, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, यदि वक्र, एक वक्र दिया गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू इतना का अभिलंब x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, तो दर्शाइए कि उसकी जो समीकरण आएगी अभिलंब की वो ये बनेगी। क्या करा जाए फिर देखते हैं क्वेश्चन को, ये हो जाएगा ना सबसे। चलिए अगला देखते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला गया, एक वक्र दिया गया स्पर्शी अभिलंब में मुझे स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, अगर कुछ अलग से बात करेगा तो मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा, नहीं कहेगा तो फिर हम क्या करेंगे x1 कामा y1 से काम चला लेंगे, ठीक। तो वक्र कितना अपने पास है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना है a की पावर 2/3, ये वक्र हो गया अपना। डिफ्रेंशिएट कर दो तो पावर कहाँ गई, आगे 2/3, और 1 कम कर दिया तो कितना आ गया माइनस का 1/2, अरे 2/3 है माइनस 1 कम करो तो कितना आ जाएगा 1/3, एलसीएम तो ले ही सकते हो। यहाँ पर पावर आगे आ गई तो 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सॉरी वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का कितना आ गया 0। ये भाई साहब कॉमन लेके ख़त्म, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, तो माइनस एक्स की पावर 1/3 यहाँ पर कहा गया y की पावर 1/3, वो भी कैसा होगा माइनस का, ये तो स्लोप मिला अपने को, माइनस हटा लेते हैं, तो जब माइनस आप हटाएंगे ये पावर वाले, तो y की पावर 1/3 x की पावर 1/3, ये नीचे आएगा प्लस का, ये ऊपर गया माइनस का, ठीक। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलंब जो है x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, मतलब आपको ये नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी अभिलंब होगा उसकी जो प्रवणता निकल के आएगी, अगर फाई कोण बना रही तो मैं टैन फाई लिख सकता हूँ कि हम बराबर टैन थीटा। अब ये जो प्रवणता होगी इसका जस्ट उल्टा होगी, क्यों, क्योंकि यम वन इंटू यम टू इज इक्वल टू माइनस वन, अगर मैं इसको एम वन मान लूँ तो ये यहाँ हो गया, और इसको अगर हम m2 को m मान लूँ या tan phi मान लूँ, कितना मान लेते हैं tan phi, तो माइनस वन, तो ये माइनस माइनस वन हट गया, tan phi इज इक्वल टू कितना अपने पास मिला, या y की पावर 1/3 कितना मिला, x की पावर 1/3, इतना रिलेशन आया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करें, इसको पलट के लिखने काम चल जाएगा, भाई माइनस माइनस हट गया इधर भेज देते हैं, इसे समझिए, इसको अपॉन भेज रहे थे, समझे, टेन फाइव इज इक्वल टू क्या अपने पास निकला, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 बना। तो मुझे अगर ये चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्या लिख लूँ, एक्स की पावर 1/3 वाई टू द पावर 1/3 लिख लें, पलट के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हो, प्रवणता की बात हो रही है यहाँ पर अभिलंब के, लेकिन हमको यहाँ से पॉइंट चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉइंट की कोई बात ही नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाए तो दिखाइए कि इसका समीकरण ये होगा, तो पॉइंट क्या बना फिर, तो इसको मल्टीप्लाई भेज दो, तो 1 एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 टेन फाई, और ये 1/3 पावर जब इधर भेजोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो भैया कट जाएंगे, यहाँ बन गया टेन क्यूब फाई बन गया, मतलब एक्स मिला लेकिन y के पदों में, इस x की वैल्यू अगर हम यहाँ समीकरण एक में रख दें, इसको उठा के यहाँ पर, ठीक, कितना रहा देखिए जरा,
जब यहाँ लिखेंगे तो बनेगा वाई की पावर 2/3, पावर जो है वो इस पर आएगी और इस पर जब आएगी तो 3 3 उड़ गया, तो कितना आ रहा अपने पास, टेन फाई प्लस अगेन 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। वाई अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ब्रैकेट में बना 1 प्लस टेन फाई, लेकिन ये 2/10 पे रहेगी भैया, इसको अगर यहाँ रखेंगे आप तो 3 कटेगा ना, 2 रहेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3। ये बेटा बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर फाई, क्लियर, सेक थीटा 1/cos थीटा, इधर गुणे में भेज देते हैं, ए की पावर 2/3 कॉस स्क्वायर फाई। अब ये पावर अगर हटाएंगे तो ये तो भी ये कट गए उल्टा के, यहाँ पे कितने बन गए कॉस क्यूब फाई, क्योंकि जब इधर लाओगे इसकी पावर बनेगी 3/2, इसको पलट के लाइए इस पर तो कॉस स्क्वायर फाई की पावर कितनी आ गई 3/2, 2 2 कैंसिल, ये तो पूरे साफ हो गए, जो बचा उसको लिख लिया गया। ठीक, चलिए अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं वाई की जगह तो क्या इक्वेशन मिली आपको, ए कॉस क्यूब फाई इंटू टेन फाई, टेन क्यूब फाई, ये कॉस में चल रहा है और ये टेन में चल रहा है, क्योंकि अगर पुराने सिलेबस को आप देखेंगे तो हमेशा इनके जो पॉइंट आते हैं कॉस और साइन में ही आते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको फिर तोड़ देते हैं, फिर अब तो बन गया ए कॉस क्यूब फाई, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं साइन क्यूब फाई अपॉन कॉस क्यूब फाई, ये तोड़ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई ए साइन क्यूब फाई। अब एक्स मिल गया और वाई मिल गया तो अभिलंब की समीकरण अब कैसे लिखेंगे, तो अभिलंब की समीकरण में शुरुआत में हमने बताया था क्या लिखते हैं, वाई माइनस वाई वन 1/dy/dx, और dy/dx अपने पास क्या चल रहा है tan फाई, तो ले आइए यहाँ पर tan फाई माइनस हटा के x माइनस एक्स वन, और एक्स वन की वैल्यू आपके सामने लिखी है, y1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई बेटा देखो, इतनी लिखी हुई है कहाँ ये, और एक्स वन की वैल्यू अपने सामने ये लिखी वैल्यू रख देंगे, इधर उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए साइन कॉस में तोड़ दिए आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चन है, एक x के रिलेशन और एक y का वक्र दिया है, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता पूछी है, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dx/dθ आ जाएगा, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो dy/dx आ जाएगा, और अगर आपसे कहें dy/dx पूछ लिया जाए तो हम इसके लिए लिख सकते हैं dy/dθ और dx/dθ, इसको उससे डिवाइड कर दीजिए जो आ जाए, तब क्या करेंगे पाई बाई 4 रख लेना, तो ये आपके सामने जो प्रवणता मिलेगी वो 1 मिली, वो इसकी मिली, अभिलंब की पूछा है तो क्या करेंगे -1/m ऑन कर देंगे, बस रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, एक समकोणीय तो परवलय पर क्वेश्चन दिया गया है, पूछा टी पर तो पॉइंट क्या लेंगे CT, C/T, इसके लिए आप अभिलंब की कंडीशन बनाइए, फिर T1 पर कह रहा मिल रहा है तो ये लेके आइए, इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, खूब टेस्ट दिए होंगे क्वेश्चन का, तो इतने क्वेश्चन आपके स्पर्शी और अभिलंब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड के लिए भी, होम एग्जाम के लिए भी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैसे होंगे फिर क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से, ये फलन वाले क्वेश्चन है, और फलन वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फलन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसकी वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमा मिनिमा के केस में आपको करना क्या होगा, जो भी फलन दिया जाएगा उसको आपको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे उस फलन का, और डिफरेंशिएशन में कोई भी फलन हो सकता है, कैसे हो भी डिफरेंशिएशन को आप जीरो करेंगे, क्यों, क्योंकि स्लोप होना चाहिए उसके लिए जीरो होना चाहिए, स्लोप जीरो तो इसका मतलब प्रवणता जीरो, प्रवणता जीरो इसका मतलब टेन फाई जीरो, मतलब सब कुछ जीरो करना है आपको, क्यों होता है अलग जब पढ़ाएंगे टॉपिक पूरा तब बताएंगे कैसे हो जाता है ये, अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने यहाँ पर। ठीक, तो करना क्या होगा, जो भी फलन दिया जाएगा उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद प्रवणता को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे dy/dx को, फिर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जाएगी आपको, जैसे यहाँ पर कह दिया गया x इज इक्वल टू cos x बोल दिया गया इस क्वेश्चन में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू यही आएगी भी जब सॉल्व करेंगे,
कई जगह पर नहीं आएगी तो आपको उस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी एक बार अवकलन किया था उसका दोबारा फिर पुनः अवकलन करेंगे और फिर वो वैल्यू रख के चेक करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो फलन अपना कैसा होगा, उच्चिष्ठ होगा, और अगर प्लस आ गई तो कैसा होगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। फिर मान पूछा जब उच्चिष्ठ होगा कि निम्निष्ठ होगा, तो फिर वो मान अपने सवाल में ला के रखेंगे तो आपको वो वैल्यू पता चलेगी। जैसे कौन क्वेश्चन लिया जाए इसमें से, ट्राई करिए, हम यही बता रहे हैं, ठीक। हमारे टाइम पूछा भी गया था, इसी को ले रहे हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फलन की घात फलन चल रही, लॉग लेना पड़ेगा, तो x log 1 बाई एक्स। अब हम यहाँ पर log m माइनस n कर लीजिए, तो log y इज इक्वल टू एक्स log 1 माइनस log x, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। कितना बच गया, log y इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग एक्स। माइनस को निकाल दो बाहर, समस्या पैदा करता है ना ये, अगर डंडा लग गया तो समस्या है। अवकलन कर दो तो इसका हो गया वन बाई वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस लिखिए बाहर। अब फर्स्ट सेकंड कर लो, तो फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, सेकंड को लिख दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का वन हो जाएगा। ये तो हट गए, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना, वाई वन प्लस लॉग एक्स। अब क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए स्लोप रेखा का या वक्र का क्या होना चाहिए, ज़ीरो। स्लोप ज़ीरो हुआ इट मीन्स वाई इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ से हम वाई को ज़ीरो नहीं कर सकते, या तो y जीरो होगा या ये जीरो, y जीरो नहीं हो सकता क्योंकि y अपना रिलेशन है ना, क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। तो जीरो हो गया सकता है, फिर वन प्लस लॉग x, तो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस लॉग x जीरो हो सकता है। इस वन को अगर उधर भेज देते हैं तो माइनस का बन जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या त्रिकोणमिति फलन अगर उधर जाते हैं तो हमेशा माइनस में पावर बनेगी, लेकिन अगर मान लो log x लिखा, इधर मान लो a लिखा है, तो जब log इधर जाता है तो जितना लिखा होगा वो e की पावर में जाएगा। तो क्या कर, जब log को उधर हम भेज देंगे तो अपना फलन किस में चला जाएगा, e की पावर में, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू कितनी आई, इसको उधर भेज दे तो e की पावर माइनस वन, और इसको बटन भेज देंगे या यही देख लेते हैं, e की पावर, इसको बटन लाओगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो x की वैल्यू वन बाई ई आ गई। इसी पर अपना फलन या तो मैक्सिमम बनेगा या उच्चिष्ठ होगा या निम्निष्ठ होगा। अब क्या करा जाए, इसको फिर सेकेंड टाइम अवकलन करिए, चेक करना है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई, फर्स्ट को लिखा, सेकेंड का करिए, लॉग का वन बाई एक्स प्लस सेकेंड को लिख दीजिए, फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए, कुछ भी आप वैल्यू रख दीजिए, ये पूरी वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव ही आनी है। देखो नेगेटिव साइन लगा है, और नेगेटिव अगर वैल्यू आ गई तो अपना फलन कैसा होगा, उच्चिष्ठ होगा, और प्लस का होगा तो होगा कैसा, निम्निष्ठ होगा। मतलब इस वैल्यू पर फलन अपना कैसा जाएगा, उच्चिष्ठ बनेगा। तो उच्चिष्ठ वैल्यू क्या बनी, तो इक्वेशन वन ले आओ फिर, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स की पावर x, x की जगह पर 1 बाई ई, एक्स की जगह पर 1 बाई ई, तो ये तो चला गया ऊपर और ले के कितना आ गया 1 बाई ई। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, निम्निष्ठ शायद दिखाना है उसमें, आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहा गया आप क्या करेंगे, इसको अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने के बाद तीन घात बनेगी, फिर तीन घात बनेगी, तो फिर एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिस पर जीरो होना चाहिए, नाइन्थ का पोर्शन है ना, वहाँ से फैक्टर कर सकते हो। फिर करने के बाद क्या करें, दोबारा अवकलन करेंगे, फिर दोबारा अवकलन के बाद अब मान रखेंगे, मान रखने पर अगर कुछ प्लस भी आएंगे किसी पर और किसी पर माइनस आएंगे, तो प्लस जिस पर आएंगे वह वैल्यू रख के निकालेंगे तो मान निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। इसमें जैसे मान लो एक बार अवकलन किया, उसको जीरो करेंगे आप, जीरो करने के बाद तीन घात समीकरण बनेगी यहाँ पर, और तीन घात समीकरण बनी तो गुणनखंड कितने बनेंगे, उसके फैक्टर तीन आएंगे। अब कुछ प्लस के भी हो सकते हैं, कुछ माइनस के भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो उस फलन का दोबारा फिर अवकलन करिए, अवकलन करने के बाद जो तीन मान मिले थे
क्रमशः तीनों को क्रम से रखिए उसमें दोबारा अवकलन में, जिस वैल्यू पर पूरी वैल्यू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का आए, और जब माइनस का आएगा तो उस पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ठ होगा, और जिस पर प्लस का आ जाएगा फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा। अब वो वैल्यू जिन पर ये सब हुआ था उनको लाकर अब इसमें रखेंगे, और जब इसमें रखेंगे तो आपको उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मैक्सिमा मिन किया मिनिमा किया, तो आप ट्राई कर लीजिए। बाकी हम मेंसुरेशन टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं फिर वो कैसे होंगे, फिर वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और घनों का योग निम्निष्ठ होगा। इन ऐसे क्वेश्चन जैसे दो संख्याएं ऐसी, अब कहा जाए कुछ इसी टाइप से दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनका गुणनफल इतना है, तो ये क्वेश्चन कोई एक देख लीजिए आप, ऐसा ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, इसमें करना क्या है, दो संख्या अगर एक मान लो संख्या हमने एक्स मान ली तो दूसरी कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स। कोई गुणनफल वाला होता मान लो कह देते दो संख्याओं का गुणनफल 64 है तो एक संख्या एक्स हो जाती तो दूसरी कितनी हो जाती 64 बटा एक्स हो जाती। ठीक, इस टाइप जो आप चाहो वैसे बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्या हो गई। अब कह रहे हम कि घनों का योगफल निम्निष्ठ होगा, तो क्या लिखें, एक्स क्यूब 6 माइनस एक्स क्यूब, और ये किसके बराबर, कुछ यस वगैरह जो भी मान लो मान लीजिए, और अवकलन कर लो 0 के बराबर कर लो, एक्स की कोई वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि 3 घात है, अवकलन में 2 घात रह जाएगा, 2 घात रह जाएगा तो 2 मान आएंगे, दोबारा अवकलन कर लेंगे और वो वैल्यू वहाँ पर रख करके मैक्सिमम मिनिमा चेक करके लाके रख लेंगे। ठीक, ऐसा इस अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछा है तो यहाँ से कि वाई को हटा करके यहाँ भेज दीजिए, यहाँ रख लो, हल कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, कर सकते हैं आप। सिद्ध करो कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होगा। क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप, ये भी ट्राई कर सकते हो आप, ये भी ट्राई कर सकते, एक कुछ एक आधा बता देते हैं। चलो चल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरी दृष्टि से उनको हम बता देते हैं। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस टाइप देख लेते हैं। चलो एक आध देख लेते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करिए, दिक्कत लगेगी तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन सही से मिल जाएंगे फिर, लेकिन मौका देना ज़रूरी है। एक खुले बेलनाकार बर्तन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो कहा गया बताया अधिकतम आयतन क्या होगा। तो क्या बोला गया कि क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगर भैया खुला है बेलन, कैसा है, खुला है बेलनाकार पात्र, और अगर ये खुला है तो ऊपर ख़त्म, तो नीचे का क्षेत्रफल कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πRh बन जाएगा। फिर दोनों होते तो दोनों ले, बंद होते तो दोनों ले लेते। जब खुला बोलेगा तो एक साइड का क्षेत्रफल आपको नहीं लेना, दूसरे साइड का क्षेत्रफल ले लेना, क्योंकि कपड़ा पहनाने की बातें होती है ना आगे चल करके, पढ़े हो गया हाई स्कूल में। आगे क्या कहा गया कि अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए, तो जब आयतन आप बेलन का निकालेंगे तो एक कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच नहीं पता क्योंकि एच का डिस्कशन नहीं हुआ, जिसका डिस्कशन नहीं हुआ क्वेश्चन में तो उसको मुझे हटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालूँ तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर और ये अपान में भेज दीजिए तो 2πr इज इक्वल टू h आ गया। अलग अलग तोड़ दो यहाँ पर, तो जिस इसको जब डिवाइड आप करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, सही चलना है। ठीक, तो बनेगा 50 बटा πr, माइनस इसके बटे में लाओगे तो पाई पाई हटा, आर आर हट गया तो एक बचा ऊपर आर और नीचे बच गया कितना 2। ठीक, पाई पाई हट गया 2r। ठीक, अब आयतन पूछा गया महत्तम, तो आयतन का फार्मूला कितना होगा अपने पास, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू अपने पास कितनी लिखी है, 50 बटा πr - r/2 गुणा करा दीजिए, तो पाई आर से स्क्वायर से जब गुणा कराओगे तो यहाँ पाई पाई उड़ गया, आर से आर हट गया तो 50r बचा, इसके गुणे में जब आएगा तो बन जाएगा बेटा ये πr³/2। ठीक, आयतन का ये फार्मूला मिल गया। महत्तम आयतन की बात करा है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट कर दो dv / dr,
तो यहाँ पर आर का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, तीन आगे आ जाएगा, बाई टू रहेगा और यहाँ बन गया आर स्क्वायर। दोबारा अगर अवकलन करने इसको कर लेते हैं, मान बाद अब निकालते हैं, तो ये तो हो गया ज़ीरो, थ्री बाई टू पाई आर स्क्वायर। मतलब अपने पास दोबारा अवकलन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है और ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगी भी। बोला क्या गया है, ये उच्चिष्ट होना चाहिए ना, अधिकतम होगा और अधिकतम के लिए नेगेटिव आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू आर की निकालते हैं फिर। तो जब आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो डी वी बाई डी आर को कितना करना पड़ेगा, ज़ीरो। जब ज़ीरो कर देंगे तो बचा कितना, 50 इज इक्वल टू, इसको इधर लो, थ्री बाई टू पाई आर स्क्वायर। तो इसको गुणे में भेज दो तो 100 बटा 3 बटा पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट 100 बाई 3 पाई, मतलब 10 बाई रूट 3 पाई आर मिल गया। आर की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव, और नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो अपना फलन कैसा होगा, अधिकतम उच्चिष्ट हो जाएगा। अब आयतन पूछा गया कितना बनेगा, तो अब ये वाली वैल्यू उठा करके आप रख लीजिए इसमें, इस वाले रिलेशन रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा। ठीक, इतना आप कर सकते हैं भैया, यहाँ यहाँ रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए आयतन कितना आएगा, अब पता भी होगा आंसर क्या आएगा, क्योंकि आंसर आपको पहले ही पता होता है। अगला देखते हैं, एक समलंब वाला देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जो बचेंगे टॉपिक आपको कल अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे और आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन उसका दे देंगे। एक समलंब है, तो समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमान भुजाएं होती हैं। आधार के अतिरिक्त तीन भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आधार ये हो गया, तो तीन एक दो ही, तीन यही तो बची, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर में, चलो हो गया। अब कह रहा है कि समलंब का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चलिए ठीक। तो क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे इसका तो रूल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे लंबवत दूरी, ये 10 ये 10 ये 10, तो ये तो पता नहीं, तो यहाँ से क्या कर देंगे, नॉर्मल डाल देंगे, ठीक, लंब डाल दीजिए, तो ये भी तो 10, अरे ये 10 तो ये भी 10। अब ये जो साइड हैं भाई, अगर 10-10 चल रहा है इसका मतलब ये दोनों बराबर बराबर, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो मानना हो जो आपको अच्छा लग जाए। तो ये वाला गत्ता बचा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये और ये इतनी इतनी हो गई। क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, तो यहाँ गत्ता बेटा लिखा है 10, यहाँ गत्ता लिखा है 10 और प्लस 2x, ये और प्लस ये पूरा, लंबवत दूरी अपने पास कितनी लिखी, तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, 10-10 कितने बन गए 20, प्लस 2x, इधर कितने आ गए अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इस दो से चाहो तो इनको काट दीजिए, थोड़ा और आसान हो जाए, ये 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गुणा करना इसको तो मतलब तो है नहीं, ये भी पता नहीं कि हाँ भाई ह्यूमिल थ्योरम लगेगी भी नहीं लगेगी, तो क्या कर दें, अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन क्या बना, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकेंड कर लो, फर्स्ट को लिख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे इसको भी कर लेंगे। लेकिन अब इसका जब फिर से आप अवकलन करेंगे तो 100 का हो जाएगा, क्योंकि फलन का बाकी है ना, ये तो पावर का अवकलन हुआ, 100 का कितना हो जाएगा 0, 0 छोड़ दो, इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, प्लस सेकंड को लिख दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 ये तो 1 हो गया, तो बचा कितना, ऊपर बन गए, इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 और 2 उड़ गया, इसकी गुणा कराओ तो माइनस का 10x, माइनस माइनस खत्म, नहीं सॉरी, हाई माइनस, माइनस से गुणा करो तो माइनस का 10x,
और इसकी जब माइनस से गुणा हुई तो माइनस का कितना बन गया एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करें एलसीएम मार दें तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब एलसीएम लोगे तो यहाँ गुणे में आ जाएगा तो उधर बना 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके इसके गुणा तो रूट हट गया तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए डी ए बाई डी एक्स क्या होना चाहिए जीरो, तो जब इसको जीरो करोगे तो भैया ये तो जीरो में ख़त्म हो गया तो अपने पास कितना बचा 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो दो बन गए तो इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर और प्लस के बन गए 10x माइनस 100 बराबर जीरो, दो से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5 से मार दीजिए, दो से मारो 50 बराबर कितने आ गए जीरो। इसके गुणनखंड आप कर सकते हैं और जब गुणनखंड करेंगे तो इसके दो मान आएंगे, भाई गुणा 50 घटाने पर 5 आ गए, संख्या आप लीजिए अपने आप से ठीक है। दो मान जब x के मिल जाएंगे तो इसका दोबारा फिर अवकलन करिए, दोबारा जब अवकलन करेंगे तो उसमें इन दोनों वैल्यू को रखिए ठीक, और जब वैल्यू आप रखेंगे तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बोला है ना अधिकतम क्षेत्रफल, और जब मैक्सिमम की बात कर दिया तो मैक्सिमम का मतलब इसका ये कैसा होना चाहिए, माइनस का आना चाहिए और माइनस आ जाएगा तो इसके बाद मैं आपसे जो पूछा जा रहा बाद वहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख करके मान रखने होंगे x के जो मान आएंगे यहाँ यहाँ रख लेंगे, जिस केस पर भाई दो मान आएंगे जिस मान पर अपना फलन मैक्सिमम होगा, क्या बोला है ना यहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम, ऐसा कोई एक मान इसमें से आएगा आप खुद ही समझिए, इतना नहीं बताएंगे ठीक है, जो भी मान आए यहाँ से तो उस पर ये वाला मान माइनस का आ जाए, एक बार अवकलन इसका अगर माइनस का आ जाएगा वो मान जब आप यहाँ पर रखेंगे ला करके तो एरिया कैसा होगा मैक्सिमम हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से इतना सॉल्व कर लेंगे और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए।